कानपुर में रेलवे स्टेशन के पास बने होटल अय्याशी का अड्डा बने हुए हैं। जी हाँ, जहाँ बिना आईडी कार्ड के होटलों में प्रेमी जोड़े दुगना पैसा देकर अय्याशी करते हैं। क्षेत्रीय लोगों की लगातार शिकायत करने के बाद सोमवार को हरवंश मोहाल थाने की पुलिस ने होटल आशा पैलेस में दबिश देकर चार प्रेमी जोड़ों को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि काफी दिनों से उन्हें सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने घंटाघर स्थित कई होटलों में छापेमारी की, जिसमें आशा होटल में चार युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। हरवंश मोहाल क्षेत्र में कुछ होटल्स में ये शिकायतें लगातार आ रही थी कि वहाँ पर नव युवक और नव युवतियों का आना जाना होता है और बिना आई कार्ड के होटल्स में रुकते हैं और कुछ घंटे रुकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसमें होटल मालिक्स की और उनके जो मैनेजर हैं उनकी इस संदर्भ में मिली भगत की बार बार शिकायतें आ रही थी। इस संदर्भ में सीओ कलेक्टरगंज के साथ में एक टीम ने आज वहाँ पर दबिश दी तो होटल आशा पैलेस में चार कपल पकड़े गए हैं। ये चारों कपल वालिक हैं, लेकिन इनका उस होटल के रजिस्टर में इंदराज नहीं था। इस कारण से होटल मालिक के विरुद्ध जो है 188, 174, 175, 178 और 202 तथा 188 और सराय अधिनियम में कार्रवाई की गई है। एक बात और बताने की है कि चूँकि 144 में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कराया था कि जो लोग बिना आईडी के बिना रजिस्ट्रेशन के होटल्स में रुक रहे हैं उनको 144 में पनिशेबल किया जाए, तो एडीएम सिटी के द्वारा इस आशय का एक आदेश जारी भी किया है, जिसके कारण हम लोग 188 की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ भी कर रहे हैं और सराय अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय की इसकी सूचना भी।